हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग होंगे सेफ एंड हेल्दी। तो आज मैं अपना ब्लॉग जो है इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड तो ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा मैं आज मेकअप करना चाहती थी, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। आई होप आप लोगों को मेरा जो छोटा सा मेकअप अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ही मेकअप करने वाली हूँ एंड देख ही पा रही हूँ कि मेरा आईब्रो सेट नहीं है एंड रोज़ जाने का सोच रही हूँ बट हो नहीं पा रहा है। तो जब भी जाऊंगी ब्लॉग ज़रूर शेयर करूंगी, बट अभी के लिए इसी में ही मेकअप करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि देख पा रहे हो, मैं जॉनसन्स बेबी का बेबी क्रीम जो होता है, मेरा बाबू का है, तो वो मैं सबसे पहले इसे अप्लाई कर लूंगी एज अ मॉइस्चराइज़र। एंड मेकअप करने से पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर NYWay का कंसीलर शेड। में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको लेना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू जाके आप परचेस कर सकते हैं एंड आपको इजीली ये शेड मिल जाएगी। अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा काम करता है। तो मैं कोई बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जस्ट कंसीलर से ही थोड़ा सा जो मेरा स्किन है उसको मैं थोड़ा सा बिल्डअप कर लूँगी। एक्सेस कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, तो फिंगर्स के मदद से ही मैं इसे ब्लेंड कर देती हूँ आइज़ के अराउंड, आई लिड पे, फोर हेड, चिन, चिक, ऑल द एरिया ऑफ माई फेस, ताकि मैं अच्छी तरीके से एक अमेजिंग सा जो मेरा स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने शेड चूज़ किया है जो कि मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा मैच करता है। आप लोगों को भी थोड़ा सा लाइट शेड ही लेना चाहिए कंसीलर का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फाइनली मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया जिसके आप लोग देख पा रहे हो। देन मैं इसको सेट करने वाली हूँ। कोई कॉम्पैक्ट पाउडर मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट मेरा जो पॉन्ड्स का जो टैल्कम पाउडर है उससे ही थोड़ा सा लेके मैं थोड़ा सा सेट कर दूँगी, क्योंकि ये मेरा डेली बेसिस का मेकअप टाइप का है, कोई पार्टी मेकअप नहीं है। डेली बेसिस में अगर करना हो या छोटे मोटे कहीं जाना हो तो मैं ऐसे करके ही चली जाती हूँ। तो फाइनली बिंदी अप्लाई करूँगी एंड मेरा जो मेकअप है हो चुका है कंप्लीट। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक, ये रेड शेड है। देन उसके बाद लाइट पर्पल कलर है जो कि मिक्स करने के बाद एक अमेजिंग सा कलर निकल के आता है। आप लोगों को ये शेड पसंद है कि नहीं बताना मुझे, देन उसके बाद ही मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आज के ब्लॉग में मैं एक अमेजिंग सा केक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले किचन में चलते हैं, देन उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ। तो तैयारी मैंने सबसे पहले ही कर ली थी बट उसको रेसेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले तैयारी कर लूँ, बिठा दूँ गैस पे केक को, देन उसके बाद मेकअप कर लेती हूँ, फिर मेकअप करने के बाद आप लोगों को रिजल्ट शेयर करूँगी। तो ये पहले ही क्लिक मैंने सूट कर लिया था, देन उसके बाद मैंने मेकअप किया था। तो होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो आज मैं पाले जी बिस्किट की मदद से ही ये अमेजिंग सा केक बनाने वाली हूँ, 3 इन्ग्रीडियंट केक, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारा यूट्यूब में वीडियोज़ देखा था। तो हाँ, मैंने भी देखा है बहुत सारा, बट ओरियो बिस्किट मेरे पास नहीं था, तो पाले जी बिस्किट का भंडार है मेरे घर में, तो पाले जी बिस्किट से ही मैं बना रही हूँ। एंड ये पहली बार तो नहीं है, सेकेंड टाइम है शायद। तो ये 10 रुपीज़ का पैक है जिसमें 2 लेयर आते हैं, तो ये 2 लेयर मैंने ग्राइंडर जार में ऐड कर दिया है एंड इस वाले पैकेट का सिंगल लेयर ऐड करूँगी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कुछ स्वीट्स खाने का, कुछ केक टाइप का खाने का, तो मैंने सोचा बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये 1 लेयर मैंने रख दिया है क्योंकि 3 लेयर ऐड कर दिया है, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बट उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर, ऐड कर सकते हैं, बट ये है चिरौंजी दाना जो कि मैं प्रसाद में, भोग में चढ़ाती हूँ भगवान जी को, तो वो मैं रख देती हूँ। एज़ यू ऑल नो, फेंकने से तो कोई मतलब है नहीं, हम लोग भी ज़्यादा मिठाई नहीं खा सकते, तो कभी कभार चलता है, तो इसलिए मैं डब्बों में भर के रख देती हूँ। उसी का 2 चम्मच रख ऐड कर रही हूँ एंड थोड़ा सा गल चुका है क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम में थोड़ी नमी आ ही जाती है, तो मैंने वो ऐड कर दिया है चीनी की जगह, आप कुछ शुगर भी ऐड कर सकते हैं। देन मैं एक अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी इसे बहुत फाइन पेस्ट टाइप का। तो चलिए पहले इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुकर को थोड़ा सा प्री हीट कर लिया है, यस मैं कुकर में ही बना रही हूँ। एंड ये जो पन्नी है इसमें मैंने पहले से, जब मैं केक बनाती थी तो उस वक्त मैं नमक ऐड करती थी, मतलब लेयरिंग के लिए नीचे,
लोअर पोर्शन में, तो वही वाला नमक मैंने स्टोर करके रखा था, तो उसी को मैंने अच्छे से लेयर कर दिया कुकर में। एंड गाइस बिलीव मी, अगर आप लोग ऐसे अगड़म तिगड़म दिमाग लगाते हो मेरे जैसे तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कुकर में बहुत सारा दाग हो गया था एज़ यू हैव सीन, थोड़ा सा तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, तो मुझे क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो मैंने सोचा है और कभी केक तो बनाऊंगी नहीं जब तक मेरे पास केक टीन या केक बनाने का ओवन नहीं आ जाता है। तो जैसे कि देखा आप लोगों ने कि मैंने कुकर के नीचे वाले लेयर में अच्छे से जो सॉल्ट है उसको लेयर अप कर दिया है, एंड मैंने इसको ढक दिया है अच्छे तरीके से ताकि वो प्री हीट हो जाए। देन उसके बाद ग्राइंड हो चुका है हमारा बिस्किट, तो इसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है मेरा ग्राइंडर, तो थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर है, अच्छे से बिस्किट ग्राइंड नहीं हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा इसे मिक्स कर लिया है। देन उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिल्क, रूम टेम्परेचर का मिल्क ऐड कर दूँगी, एंड थोड़ा सा मलाई भी जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, बट जितना अमाउंट ऑफ मिल्क चाहिए होगा मैंने उसमें ऐड कर दिया। फिर से हम लोग एक अच्छा कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेते हैं। तो फाइनली मैंने फिर से ग्राइंड कर लिया है, एंड ग्राइंड करने के बाद आप लोगों को बैटर का कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ, एंड दिखने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, साथ ही साथ इसका कंसिस्टेंसी अमेजिंग का बन चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पूरा केक बैटर का जैसा। तो फाइनली मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लास्ट इंग्रेडिएंट इनो। इनो ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप अगर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर ऐड नहीं कर रहे हो केक में या बेक करने का टाइम, तो इनो इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। तो इसे मैंने ऐड कर दिया है, एंड इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है स्पून की मदद से ही। एंड आज मैं जो केक बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊंगी ग्लास की मदद से। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तो ग्लास भी हमें रेडी करना है। तो ग्लास को रेडी करने के लिए मैंने सबसे पहले दो ग्लास चुन लिया है जो कि मेरा छोटा सा कुकर के अंदर जा पाए, तो थोड़ा वो भी ढूंढना मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास दो दो शेट के अलग अलग मेजरमेंट के ग्लासेस हैं। तो फाइनली मैंने ये दो ग्लास चूज़ किए हैं, एंड इनको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी, एंड ग्रीस करने के लिए जस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रिफाइन ऑयल या मीठा तेल जिसे कहते हैं, एंड मैंने इसे अच्छी तरीके से फिंगर्स की मदद से ही ग्रीस कर लिया है ताकि हमारा केक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना चिपके। तो एक्सेस ऑयल जो था मैंने एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया, देन दूसरे ग्लास से मैं इसे दूसरे कटोरी में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि एक्सेस ऑयल ना रहे हमारे ग्लास में। एंड मेरे पास मैदा नहीं था इसलिए मैंने डस्टिंग नहीं कर पाई, बट फिर भी मेरा जो केक है वो इजीली निकल गया था, दैट इज़ आई एम हैप्पी। एंड आप केक का बैटर देख सकते हो बहुत हद तक फुल चुका है, मतलब हमारा इनो अपना काम करने लगा है। तो हम लोग अब ग्लास में हमारा जो बैटर है वो ऐड करेंगे, एंड जो बैटर है ना गाइस मैं नेक तक ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारा केक जो है वो फूलने भी वाला है, तो फूलने के लिए थोड़ा स्पेस देना होता है हमें, तो थोड़ा सा नेक तक ही मैं ग्लास भर लूँगी। तो मैंने बैटर को ग्लास में ऐड कर दिया, एंड थोड़ा सा डैब डैब करके उसे सेटल कर दूँगी। देन उसके बाद अब बारी आती है इन दोनों ग्लास को कुकर में बैठाने की। तो कुकर आप लोग देख पा रहे हो कि प्री हीट हो चुका है, एंड नीचे की तरफ दाग भी लगने लग चुके हैं जो कि मुझे धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, वो तो मुझे पता चल ही रहा है। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि मैं थोड़ा फोकस करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा जो कुकर है वो गर्म होने लगा है, एंड बहुत गर्म हो चुका है, तो मैं चिमटे की मदद से इसे बैठा देती हूँ। तो फाइनली बहुत दिक्कत के बाद मैंने दो ग्लास इसमें फिट हो चुके हैं, एंड देख ही पा रहे हो कि मेरा ढक्कन भी नहीं लग रहा था फिर भी लग गया थैंकफुली, पता नहीं फूलने के बाद क्या होने वाला है। तो मैंने इसका जो रबड़ एंड जो सीटी है वो भी निकाल दिया है ताकि हमारा जो कुकर है वो अच्छे से प्री हीट ओवन जैसा काम करने लगे ताकि हमारा केक जो है वो अच्छे से पक सके। एंड मैं इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी, एंड साइड बाय साइड मेरा छोटा ओवन तैयार हो चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके ऊपर मैंने लोटे में पानी भर के रखा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लोटा हटा के। तो जैसे कि देख पा रहे हो ढक्कन खोल के भी मैं दिखा देती हूँ, इसमें थोड़ा सा बैटर जो बच गया था उसको मैंने कटोरी में भर के फिर से ही नीचे नमक डाल के उसको छोटा सा ओवन बना दिया है। तो देखते हैं ये कुक होता है कि नहीं, बता नहीं क्या होने वाला है, तो होगा तो मैं अच्छे से शेयर कर दूंगी, नहीं होगा तो वो भी मैं दिखाऊंगी ज़रूर कि मेरा क्या हाल हुआ। साथ ही साथ ऊपर में जो घोटी है ना उसका भी पानी गर्म हो रहा है, तो साइड बाय साइड मेरा कुकर में बन रहा दो ग्लास ऑफ ये जस्ट 15 मिनट्स ही हुए हैं इनको मैंने रखा हुआ है, एक मैंने कुकर में दो ग्लास में मैंने रखा है, एंड एक छोटी वाली तपेली में कटोरी में जो भी कहते हैं उसमें मैंने रखा है, देखते हैं क्या होता है।
तो 30 मिनट्स के बाद हम लोग आके चेक करेंगे। तो हो चुका है 30 मिनट्स। देन मैं कुकर का ढक्कन खोल रही हूँ, जैसे कि देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है मेरे लिए, खोलने में तकलीफ़ हो रही है, बट एट लास्ट मैंने खोल दिया। एंड यू कैन सी गाइस कितने अच्छी तरीके से फूल चुके हैं, आई एम सो हैप्पी। तो आप चेक भी कर लेते हैं। तो ये वाला जो ग्लास में केक है उसका जो नाइफ में जब निकाली तो क्लीन निकला, मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। एंड दूसरी तीसरी जगह में भी चेक कर लूँगी, नहीं तो एक साइड कुक हुआ तो दूसरे साइड नहीं हुआ होगा, तो दूसरे साइड भी अच्छे से हुआ है। एंड दिस ग्लास में अच्छे से कुक नहीं हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसमें थोड़ा सा लग चुका है, मतलब एक ग्लास को मैं निकाल सकती हूँ एंड दूसरे ग्लास को मैं थोड़ी देर और रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए, ताकि उसका भी जो केक है वो अच्छे से कुक हो सके। एंड फिर से दोबारा से चेक कर रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मतलब सोचने बैठ गई कि दोनों तो मैंने साथ में रखा था, तो एक ग्लास का जल्दी कैसे कुक हो गया एंड दूसरे ग्लास का इतना लेट क्यों हो रहा है। एंड आप देख पा रहे हो निकालने में भी कितना दिक्कत हो रहा था मुझे, बट फाइनली मैंने इसे निकाल दिया। एंड एक निकालने के चक्कर में दूसरा वाला ग्लास मेरा गिर गया, जैसे कि देख पा रहे हो भाई बहुत मुश्किल होती है एक सफिशियंट चीज़ ना होने से, बट कोई नहीं चलता है। बट हो चुका है मेरा, अच्छे तरीके से मैंने निकाल दिया है, तो दूसरा वाला ग्लास भी मैं अपनी जगह रख लेती हूँ ताकि थोड़ी देर और ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए, देन हम लोग इसे काटेंगे। तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ जब मेरा जो निकला हुआ ग्लास जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, देन मैं उसे निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा केक कैसा दिख रहा है। फाइनली हमारा जो केक है वो बनके रेडी हो चुका है, ग्लास केक। एंड ये वाला जो है वो पहले बन चुका था एंड ये वाला जस्ट मैंने अभी उतारा है। एंड घोटी जो होती है ना उसमें थोड़ा सा इतना सा पानी मैंने रखा है एंड इसे ठंडा करने के लिए रखा है ताकि जल्दी से निकल जाए। एंड इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है बिकॉज ऑफ इस शेप, बट प्लीज़ गाइज इसका जो हुलिया है ना उससे जज मत कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे खा के, तो आई होप कि आप लोगों को भी आएगा। तो चलिए ये तो थोड़ी देर और इसे ठंडा होने देते हैं, देन उसके बाद मैं आप लोगों को टोटल शेयर करती हूँ। साथ ही साथ और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, ये जो है मेरा कटोरी वाला वो टोटल फेल हो चुका है जैसे कि देख पा रहे हो आप लोगों को दिख रहा होगा साइड से जल चुका है। तो इसका मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, फेंकने ही वाली हूँ, और उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसका। तो चलिए ठंडा होने देते हैं, देन मैं आपको निकालती हूँ। तो चलिए अब निकालते हैं। तो मैंने एक प्लेट ले लिया है एंड मैंने साइड साइड से थोड़ा सा चम्मच से काट दिया था, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया। एंड ये कितना इजीली निकल गया आप लोग देख पा रहे हो ना, तो बहुत मज़ा आया मुझे बना के। मतलब मैंने पहली बार ग्लास में बनाया, पहले तो मैंने ऐसे तपेली कटोरी में तो बनाया है, बट ग्लास में आज पहली बार बनाया। एंड थोड़ा सा भी उतना ज़्यादा नहीं लगा है, थोड़ा सा ही लगा था। तो छोटा छोटा जो हिस्सा है वो मैंने प्लेट से निकाल दिया है। अब मैं कट करके आप को अंदर की साइड दिखाती हूँ कि अंदर तक ये कितने अच्छे से कुक हो चुका है, साथ ही साथ इसका कलर कितना अमेजिंग लग रहा है। आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा है ना, तो गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट बन जाता है। साथ ही साथ इसके बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। एंड अभी तो ये सिचुएशन में, पेंडेमिक सिचुएशन में, बाहर की चीज़ें खाने के मामले में थोड़ा हम लोग सोचते ही हैं, तो ये अगर घर पर ईजीली हमारे लिए बन जाता है इतना सिंपली तरीके से, टेस्टी तरीके से, तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया एंड मेरे हस्बैंड का रिएक्शन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी एट द एंड ऑफ द व्लॉग। तो अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ सामने खा रही, बहुत ज्यादा टेस्टी हुआ है। तो ये रात का वक्त है, हमारा डिनर विनर हो चुका था, नॉर्मली रोटी सब्जी मैंने बनाई थी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि हस्बैंड मेरे नीचे सोते हैं, तो बिस्तर नीचे उनका लग चुका है एंड आप देख पा रहे हो आराम से वो खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं। एंड उसका भी रेसिपी देखना हो तो बताना, मैंने रबड़ी भी बनाई थी, तो वो रबड़ी एंजॉय कर रहे हैं। एंड वो जो प्लेट आप लोगों को साइड में दिख रही थी उसमें था एक ग्लास ऑफ फुल केक था, जो कि बाबू ने, उसके पापा ने टोटल खाया, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो
खा लो फिर मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगी। तो यही था कि था हमारा आज का ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ बताना एंड रेसिपी ज़रूर ट्राई करना एंड रबड़ी की भी रेसिपी देखना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक बाय।